नरसी शांतिनाथ भगवान की जय। हमारे बीच में परम पूज संत सुमनिया चोर भगवान विद्यासागर जी महामुराज की परम प्रभावी शिष्य सभी लोग बैठे हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत समणिया चोर भगवंत विद्या समय सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य साधु भगवंतों की जय। एक श्लोक अगम में पढ़ने को मिलता है, शायद आपने भी पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो भी वह श्लोक बहुत प्रासंगिक है। उसको प्रासंगिकता देते हुए कुछ विषय आपके सामने रखा जा रहा है। पाषाणेषु यथा हेम, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। ये पंक्ति जिसमें यह भाव स्पष्ट किया है आगमकारों ने, पाषाणेषु यथा हेम, जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण पाया जाता है, हेम का अर्थ स्वर्ण होता है, दुग्ध मध्य यथा घृतम, जिस प्रकार दूध में घृत पाया जाता है, तिल मध्य यथा तैलम, तिल में तेल पाया जाता है, उसी प्रकार देह मध्य तथा शिव अर्थात आत्मतत्व है। सोचो विचार करो, पाषाण खंड है और उसमें स्वर्ण है, उस पाषाण के साथ स्वर्ण का संबंध प्राकृतिक रूप से संबंध है। किसी ने उस पाषाण में स्वर्ण डाला नहीं, किंतु उस पाषाण के साथ स्वर्ण का प्राकृतिक संबंध है। किंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो एकाध किलो का जो पाषाण खंड है जिसमें स्वर्ण है तो अपने गले में लटकाया है, है? क्योंकि स्वर्ण सबको प्रिय होता है, कीमती वस्तु होती है, किंतु अभी तक एक व्यक्ति को भी हमने नहीं पाया कि वह एकाध किलो का जो स्वर्ण पाषाण है उसको गले गले में पहन रखा हो, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पाषाण है उसको पृथक किया जाएगा, उसमें से जब तक स्वर्ण पृथक नहीं होगा, हालांकि वह पाषाण भी पृथ्वी है और स्वर्ण भी वह भी पृथ्वी है, दोनों में पृथ्वी की अपेक्षा से, धातु की अपेक्षा से, खनिज पदार्थ की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, किंतु अंतर नहीं होते हुए भी
मूल्यता की दृष्टि से देखते हैं तो अनगढ़ पाषाण अलग है और उसमें जो स्वर्ण पाया जाता है वो स्वर्ण की कीमत अलग हुआ करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति सोना पहनना चाहता है, कोई चेन बना लेता है, कोई अंगूठी बना लेता है और कोई मुकुट बना लेता है। ये सारे के सारे आभरण माने जाते हैं। शरीर को इन आभरणों से अलंकृत करता है और उसमें पाषाण में स्वर्ण पाया जाता है। जो सुनार होता है वही जानता है कि इसमें कितने परसेंटेज में स्वर्ण है और कितने परसेंटेज में अन्य वस्तु है। तो विधिवत उस पाषाण से स्वर्ण को पृथक करता है। पृथक करने के उपरांत भी उस स्वर्ण को और अग्नि संस्कार आदि के माध्यम से और प्योर बनाने का प्रयास करता है। 100 टंच 16 वाणी जो सोना होता है उसके माध्यम से वह आभरण अधिक बना लेता है। ये स्वर्ण उसमें शक्ति के रूप में विद्यमान है पाषाण में, किंतु जब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार एक हीरा होता है, हीरे की खदान होती है, हैं? पास में एक हीरापुर भी सुनते हैं और इधर पन्ना भी है सामने 40 किलोमीटर दूरी पर। हीरे की खदान खुदाई हो रही है तो उसमें हीरे के कितने नग मिलते हैं क्या? टनोटन हीरा मिल रहा है क्या खदान में? नहीं, खदान में खोदते चले जाते हैं और बहुत ही अल्प मात्रा में वह हीरा मिलता है, किंतु करोड़ों की नहीं अरबों की कीमत उसकी होती है। तो इस प्रकार पाषाण में स्वर्ण अथवा हीरा, पन्ना, माणिक, मोती आदि आदि ये उस पाषाण में होती हुई भी जब तक उसको विधिवत रासायनिक पद्धति से पृथक नहीं किया जाएगा तब तक वह अपने लिए पहनने योग्य वह वस्तु नहीं बन सकती। इसी प्रकार दुग्ध मध्य यथा घृतम कहा, दूध है, हैं? दूध में घी है क्या? नहीं, बोलो, घी है तो ठीक है, फिर दूध पी लो ना, दूध पी लो यदि घी है तो। दूध में घी है किंतु शक्ति के रूप में है, उसकी अभिव्यक्ति जो होगी वह विधिवत होगी। एक ग्लास पानी है आप पी लेंगे तो घृत का स्वाद नहीं आएगा। उस घी की गंध उसमें आती है क्या? दूध में नहीं आती है, लेकिन दूध में ही घी है, लेकिन है शक्ति के रूप में, उसकी अभिव्यक्ति के लिए विधि है। विधिवत जिस प्रकार पाषाण से स्वर्ण को पृथक कर लिया उसी प्रकार उस दूध में जो घृत है उसको विधिवत पृथक किया जाता है। कौन सी विधि है सब लोग जानते हैं, आप लोग न जानो तो महिला वर्ग तो जानता ही है, प्रतिदिन उनका काम है। दूध को तपाया जाता है, तपाने के उपरांत फिर बाद में अनुपात से थोड़ा और ठंडा हो जाता है तो उसमें क्या डालते हैं? जामुन डालते हैं। कितने अनुपात से? 10 किलो दूध है तो 10 किलो जामुन डालेंगे क्या? नहीं, थोड़ा सा एक आध बूंद उसमें डालते हैं। उसके माध्यम से क्या जमता है? गलत बात, दही थोड़ी जमता है, दूध जमता है, लेकिन बोलने में तो यही आता है कि दही जमता है। दही जमाना पलट गया, दही नहीं जमता, दूध ही जमता है, लेकिन व्यवहारिक भाषा में
ये बोलने में बात आती है कि दही जम रहा है, तो जामुन डालते हैं फिर बाद में जम जाता है, फिर बाद में उस दही को पात्र में लेकर के मथाने के माध्यम से उसका मंथन किया जाता है। मंथन करते 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 धीरे 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 उस दही में से बिलोने से मथानी से मंथन करने से उसमें नवनीत निकल आता है। ये प्रक्रिया है, ये विधि है, विधिवत होना चाहिए, रुचिवत नहीं, अपने मन के अनुरूप नहीं। विधिवत कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य संपादित होता है, तो मथानी के माध्यम से उस दही का मंथन जब हो जाता है तो उसमें से नवनीत का गोला निकल आता है। लेकिन ये ध्यान रखो, कभी आपने उस नवनीत के माध्यम से आरती उतारी है? क्यों, बाती बना लो, आरती में नवनीत रखो, बाती रखो और जला दो? नहीं। क्यों? नवनीत में अभी भी जलांश है। जब तक वह अग्नि संस्कार के माध्यम से नवनीत में से जलांश जल करके समाप्त नहीं होगा, तब तक वह घृत के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। दही में, दूध में भी घी था, दही में भी घी है, नवनीत में भी है, फिर भी वह घी नहीं, शक्ति के रूप में विद्यमान है। एकांत से उसमें घी का अभाव है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु एकांत रूप से उसका सद्भाव देखने में नहीं आता। और अग्नि के माध्यम से जब नवनीत को तपाया जाता है, घी को नहीं तपाया जाता है, तप करके सामने आता है नवनीत, तो वह घी के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसमें से सुगंधि फूटती है। नवनीत में से सुगंधि नहीं आती है, आती है क्या? नवनीत में न सुगंधि आ रही है, नवनीत के द्वारा आरती उतारी जा सकती है, क्योंकि उस नवनीत में प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है। घी में प्रकाशित करने की क्षमता है। बाती आप घी में डुबो देते हैं और आरती जला देते हैं तो प्रकाश भी है और सुगंधि भी आ रही है। और दूसरी बात, एक और विशेषता गुरुदेव ने बताई थी, वह ये है, बिल्कुल प्योर जो घी है तरल होना चाहिए, ऐसा नहीं जमा हुआ। तरल यदि घी है तो उसमें अपना मुख भी देखने को मिल सकता है, ये सारे गुण उसमें उभर करके आए हैं। उसी प्रकार तिल में तेल है, तिल है और तिल आप लोग खा लेते हैं, तिल की पट्टी बना लेते हैं, लेकिन उसमें तेल है, तेल उसमें से निकलता है विधिवत निकालने से। इसी प्रकार इस देह अर्थात शरीर में आत्म तत्व विद्यमान है, किंतु आत्मा का स्वरूप क्या है? घृत के समान है। उदाहरण के माध्यम से आपके सामने यह विषय रखा कि वस्तुतः शरीर में प्रत्येक जीव के शरीर में वह आत्म तत्व विद्यमान है, किंतु आत्मा का स्वरूप अभी तक ज्ञात नहीं हो पाता। आत्मा अर्थात जीव किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। ये महाराज, फिर हम और आप जो देखने में आ रहे हैं जीव हैं क्या, अजीव हैं? पूरी सभा में जो जनता बैठी है, ये जीव है क्या अजीव है? अजीब बात हो गई। जीव है क्या नहीं? हाँ, जीव ही है, किंतु वस्तुतः जीव का स्वरूप नहीं है। ये जीव की वैभाविक ये पर्याय हैं, स्वाभाविक पर्याय तो शुद्धत्व है। सुन रहे हैं आप?
है, जो स्वाभाविक पर्याय है, जिस प्रकार दूध की वह स्वाभाविक पर्याय घृत है, उसी प्रकार जीव की जो स्वाभाविक अवस्था है वह शुद्ध परमेष्टि के रूप में है। तो सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वे जीव तो है, किंतु जीव का वह स्वाभाविक रूप नहीं है। और स्वाभाविक रूप नहीं होते हुए भी शरीराश्रित हम और आपका जीवन चल रहा है, किंतु शरीर को देख करके ही वह अपना स्वरूप मान लेता है, वह ठीक नहीं। वह ठीक नहीं क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर पौद्गलिक है, शरीर रूप रस गंध वर्णात्मक है, जबकि वह शुद्ध परमात्म तत्व न किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, किसी भी इंद्रिय का विषय बन नहीं सकता। आत्मा का जो स्वरूप है वह स्पर्शेंद्रिय के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। स्वरूप रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, इन सभी इंद्रियों के माध्यम से शरीर का स्वरूप तो आ सकता है, किंतु जीव का जो स्वरूप है वो कभी भी पकड़ में नहीं आता। आप लोग फोटो उतारते हैं, हैं? उतारते कि नहीं? हाँ उतारते कि हमारे सुबह होती वही चलता है, सुबह होते ही मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के फोटो आप खींचते रहते हैं, जबकि वह फोटो में वह परमात्म तत्व नहीं आ सकता, केवल शारीरिक रूप आता है। शरीर की जो आकृति है, शरीर का जो रूप लावण्य है, हैं, जो सुंदरता है, वही कैमरे में आ जाता है, किंतु वस्तुतः जो परमात्मा का रूप है वह कभी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। एक दूसरे से आकर्षित होकर के संसारी प्राणी अपने स्वरूप से वंचित है। अपना स्वरूप कौन प्राप्त करना चाहता है? प्राप्त करने के लिए तो बैठे हैं हम, प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, किंतु विधिवत ही प्राप्त होगा। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा कि शरीर और आत्म तत्व में भेद भिन्नता है, या जब तक भली भांति आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप शरीर को ही अपना मान करके चलते हैं। और शरीराश्रित जो जीवन है वह पराधीन माना जाता है। आप बैठे हैं, आपका जीवन चल रहा है, किंतु आपका जीवन स्वाश्रित नहीं है, स्वतंत्र जीवन आपका नहीं चल रहा, स्वाधीन जीवन नहीं जी रहे हैं, किंतु आपका जीवन शरीराश्रित चल रहा है। और शरीर में कुछ 19-20 हुआ तो बस डॉक्टर की ओर भागते चले जाते हैं, हॉस्पिटल हैं, भर्ती हो जाते हैं। आत्मा को भर्ती कर रहे हैं क्या शरीर को? बोलो, हॉस्पिटल में गए हैं और डॉक्टर के सामने आप अपना हाथ देते हैं, वह हाथ पकड़ करके आपकी नाड़ी को नाड़ी परीक्षण कर रहा है। नाड़ी परीक्षण करने वाला भी कौन है, और जिसका नाड़ी परीक्षण जिसकी की जा रही है वो कौन है? शरीर का ही परीक्षण हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है, आत्म तत्व का परीक्षण निरीक्षण नहीं हो पा रहा। आज वर्तमान में ये वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग लगे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आविष्कार उनके द्वारा हो रहा है, किंतु आत्म तत्व के बारे में कोई आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। भौतिक क्षेत्र में तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ज्ञान के माध्यम से सांसारिक जो और संसाधन है सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाली, उनका आविष्कार होता चला जा रहा है, और उसके माध्यम से वह भौतिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं।
जबकि आत्मिक सुख में और भौतिक सुख में अथवा शारीरिक सुख में जमीन आसमान का अंतर है। ये स्वरूप का बोध विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं। महाराज, फिर स्वरूप का बोध किसके द्वारा संभव है? विज्ञान के द्वारा नहीं, वीतराग विज्ञान के द्वारा ही स्वरूप पकड़ में आता है। वस्तुतः जब तक संसारी प्राणी की दशा सरागमय रहेगी, तब तक अपना स्वरूप का संवेदन नहीं कर सकता। आप जो भी आपको अनुभव में आ रहा है वह अशुद्ध तत्व का ही संवेदन आप कर रहे हैं। आत्मा का संवेदन आपको होता क्या? नहीं बोलो, आत्मा का संवेदन होता कि नहीं आपको? हैं? नहीं, आत्मा का संवेदन आप प्रति समय कर रहे हैं, लेकिन सराग स्वसंवेदन हो रहा है। वीतराग स्वसंवेदन जो होता है वह बिना महावृत के, बिना संयम के वीतराग स्वसंवेदन संभव नहीं है। और संवेदन से शून्य आत्मा नहीं है। कोई भी आत्मा हो, कोई भी जीव हो, एक निगोदिया जीव है, उसे भी फील होता है, उसे भी संवेदन होता है। क्योंकि सुख और दुख का संवेदन यदि नहीं होगा फिर जड़ कहलाएगा वो, ऐसा थोड़ी होता है। आपके पैर में कांटा गड़ गया, आपको संवेदन हो रहा है कि नहीं? किसका संवेदन? जड़ का? जड़ का संवेदन हो रहा है क्या? आत्मा का ही संवेदन हो रहा है, क्योंकि जड़ को कभी संवेदन होता ही नहीं, इसी का नाम जड़ है। जब इस शरीर में से आत्म तत्व तो निकल जाता है, अवसान हो जाता है, डेड बॉडी है, फिर उसको पोस्टमार्टम कर लो, कुछ कोई मतलब नहीं। जब तक इस शरीर में आत्मा है अथवा जीव है तब तक वह महसूस करता है, फीलिंग्स आते हैं उसके अंदर, सुख और दुख का संवेदन होता है। और आत्मा निकल जाए फिर बाद में देख लो उसको दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, वहां पर अग्नि संस्कार करते समय वह चिल्ला रहा है क्या? क्यों? आत्म तत्व चला गया। जो चैतन्य आत्मा का स्वरूप था, जीव था, वह जीव ही उस शरीर से निकल गया, प्राण निकल गए, यानी प्राणी गया। प्राण को धारण करने वाला जो होता है उसका नाम प्राणी है, और वह शरीर के आश्रित वह जीव अर्थात प्राणी रह रहा था, और वह अवसान हो गया, मरण को प्राप्त हुआ तो वह निकल गया। निकल गया तो डेड बॉडी है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई संवेदन नहीं। इसलिए इससे स्पष्ट होता है, आपके शरीर में जब तक जीव का सद्भाव रहता है तब तक तो आप संवेदनशील माने जाते हैं। संवेदन शून्य कोई भी जीव नहीं, चाहे वो एकेंद्री हो, द्विंद्री हो, तीनेंद्री हो, चौरेंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, देव नारकी मनुष्य, कोई भी किसी भी योनि का जीव क्यों ना हो, वह संवेदनशील होता है। इसलिए आपको संवेदन होता रहता है आत्मा का, किंतु आत्मा का संवेदन होते हुए भी राग के साथ हो रहा है, इसलिए आत्मा का स्वरूप संवेदन संभव नहीं है। वीतराग स्वसंवेदन अलग है और सराग स्वसंवेदन अलग है। गुरुदेव ने कई बार प्रसंग बनाए हैं और कहा है, और सुनने वालों को भी कुछ क्षण के लिए विस्मय भी हुआ। महाराज क्या सुनाया था? महाराज ने उन्होंने ये कहा था, पूरी भरी सभा में वह प्रवचन कर रहे थे और एक बार उन्होंने ये कहा कि आप लोग
जितने भी लोग बैठ करके सुन रहे हैं आप सब वीतरागी हैं। महाराज ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, ऐसा कहा उन्होंने। कौन सी विवक्षा है? इसमें विवक्षा है आप बिल्कुल वीतरागी, क्योंकि आत्मा के प्रति कोई राग ही नहीं आपका। आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति राग है नहीं, इसलिए आप वीतरागी। और आत्मा के प्रति अनुराग मेरा है, इसलिए मैं रागी हूं। आत्मा के प्रति राग होना चाहिए। आपका राग जड़ वस्तु के प्रति है, आत्मा के प्रति नहीं है। इसलिए जिसके प्रति राग नहीं वह उसका नाम वीतरागी है। आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति अनुराग होता फिर आप घर नहीं लौटते। फिर घर लौटेंगे कि नहीं, वही देख रहे हैं महाराज कब 9:30 बजेगा और कब निकल जाए हम। हाँ बिल्कुल ठीक है, निश्चित बात है। आप मना भले करो किंतु निश्चित जाएंगे, क्योंकि जब तक संबंध लगा हुआ है, जब तक पर वस्तु के साथ संबंध लगा हुआ है, अटैच जब तक है तब तक वह छोड़ेगा नहीं। रात के 12 बजे भी आप जाते हैं किसी अड़ोस पड़ोस के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। आप करते हैं क्या? नहीं। आपको रूम का नंबर मालूम है, घर का नंबर मालूम है, उसी घर में जाते हैं और ताला चाबी से ताला खोल देते हैं और प्रवेश करते हैं। क्या मानते हैं उस घर को? अपना मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। तो पर वस्तु के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति वह कैसा वीतरागता का अनुभव कर सकता है? संभव नहीं है। और बहुत सारे परिवार के लोग हैं अड़ोस पड़ोस में, उनके साथ आपका कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं। यदि है भी तो बहुत व्यावहारिक औपचारिक संबंध है, किंतु अपने परिवार के प्रति औपचारिकता नहीं। अन्यता न ले, किसी एक व्यक्ति को लेकर के ये विषय नहीं रखा जा रहा, किंतु यथार्थता ये जो आगमकार कह रहे हैं उसको आपके सामने रखा जा रहा है। मान लो आपका बेटा कहाँ पर सर्विस कर रहा है? अमेरिका में सर्विस कर रहा है। और मान लो वहां पर उसे लड़का हो गया, अब शोर किसको लगेगा? पिताजी यहाँ पर है भारत में और अमेरिका में बेटा है, वहां पर लड़का हो गया, मान लो लाला हो गया, समाचार आते ही इनको करंट लग जाता है, शोर। और गमी होती है तो सूतक, हजारों किलोमीटर वह दूरी पर है, इसके उपरांत भी आपको ही शोर क्यों लग रहा है, आपको ही सूतक क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके साथ हमारा अटैचमेंट है, संबंध स्थापित हमने किया है, इसी का नाम राग का संबंध माना जाता है। ये चलेगा, किंतु एक श्रवण है उसके लिए शोर सूतक संभव नहीं। उसको काय का परिवार के, मान लो गृहस्थ अवस्था के परिजन के लोग हैं, उनके यहाँ कोई शोर हो गया, कोई गमी हो गई, कमी हो गई, ठीक, उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि संबंध को छोड़ दिया है। जैसे समझने के लिए शोर भी हो गया, किंतु शोर होने के पहले मान लो आप विधान में बैठे हैं और आपको क्या बांध दिया जाता है? रक्षा सूत्र। हाँ, और वो बांध दिया मान लो किसी प्रतिष्ठाचार ने, अब समाचार भी आ जाए शोर का अथवा सूतक का, तो भी आपको तत्संबंधी कोई भी लगेगा नहीं दोष, तो आप विधान संपन्न करते हैं।
इससे स्पष्ट है कि जो विधिवत जब तक हम संबंध तोड़ते नहीं तब तक हमारा संबंध बना रहता है। इसलिए पर वस्तु के साथ चाहे वो चेतना चेतनात्मक कोई भी वस्तु है उस वस्तु के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं। जब तक हमारा संबंध उन वस्तुओं के साथ रहेगा तब तक हम राग का ही संवेदन करते हैं, वीतरागता का संवेदन संभव ही नहीं। शरीर के प्रति भी निर्ममत्व भाव बना रहता है श्रमण का, इसलिए निरंतर संयम धारण करने के उपरांत सात से पुण्य का ही अर्जन करता है और पाप कर्म की निरंतर निद्रा करता चला जाता है, जबकि यह गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं है। अपनी भूमिका के अनुरूप होना अलग वस्तु, किंतु एकांत रूप से पुण्य का ही संचय करने वाला या तो व्रती होता है अथवा महाव्रती अर्थात श्रमण होता है। बहुत अद्भुत चीज है ये, क्योंकि मेरा पदार्थ ये मेरा है ही नहीं, ये मान्यता का नाम, मान्यता बना रखिए मेरी वस्तु है। वस्तु वस्तु में है और आप में है, इसके उपरांत भी ये संबंध स्थापित किया जा रहा है। ये संबंध ही अज्ञान का परिणाम है, ऐसा आगमकार कह रहे हैं। हाँ, ये अज्ञान जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वह पर वस्तु से संबंध तोड़ नहीं पाएगा। भेद विज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी आत्माएं मुक्त हुई हैं, सिद्धत्व को उपलब्ध किया है, तो किसके द्वारा उपलब्ध किया? भेद विज्ञान से ही उपलब्ध किया। एक कारिका आती है, भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्यैवा भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान के कारण ही सिद्धत्व को प्राप्त किए हैं और भेद विज्ञान के अभाव में ही वस्तुतः संसारी प्राणी बंधा हुआ है कर्मों से। स्वरूप का बोध होना अनिवार्य सिद्ध होता है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वरूप हुआ करता है, उसी प्रकार आत्मा का भी अपना स्वरूप प्रत्यक्ष अस्तित्व रखता है। आत्मा का स्वरूप अन्य वस्तुओं से प्रत्यक्ष है और वह स्वरूप का अर्थ ही स्वभाव हुआ करता है। स्वभाव का अर्थ नेचर हुआ करता है, उसी को प्रकृति बोलते हैं। गुणस्य का प्रकृति मधुरता, गुण की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, वह मधुर होता है, मीठा होता है। निम्बस्य का प्रकृति, नीम की प्रकृति क्या है, उसका नेचर स्वभाव क्या है, कटुकता। नीम जानते हैं आप है? स्वाद लिया है कभी? लिया तो है। कभी बुखार आ जाता है, मान लो खून में विकृति आती है, उस समय डॉक्टरों के माध्यम से अथवा वैद्यों के माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि खून विकृत हो चुका है, उसको शुद्ध करने के लिए नीम का सेवन करो, ऐसा बोलते हैं। तो नीम का सेवन करते समय आपको कैसा लगता है? नीम है? कड़वा लगता है। पीते समय पिया जाता है क्या? बेमन के पिया जाता है, गटकना पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति को हमने नहीं देखा कि गन्ने का रस जो है पिया जा रहा है, अच्छे स्वाद लेकर के ठंडा ठंडा गन्ने का रस है और गर्मी के दिन में, और उसमें नींबू और निचोड़ दिया है, फिर देख लो वो मीठा है और ये कड़वा है। ये कड़वा क्यों? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर कहते हैं।
स्वभाव कभी भी तर्क का विषय नहीं बन सकता। किसी के कारणवश उसमें वह कड़वाहट आई हो ऐसा नहीं, वह नेचर है। नेचर पर सापेक्ष नहीं हो सकता, नेचर हमेशा स्वसापेक्ष हुआ करता है। अग्नि गर्म है किसके कारण, बोलो किसके कारण अग्नि गर्म है? स्वभाव से, किसी कारण से तो नहीं। इसी को बोलते हैं प्रकृति, इसी को नेचर बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अग्नि का स्वभाव उष्णता। ये जिस प्रकार ये स्वभाव है उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है तो जानना, देखना, संवेदन करना, यह आत्मा का स्वरूप है। किंतु संसारी प्राणी के पास ज्ञान होने के उपरांत भी उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता। ज्ञान के द्वारा पदार्थ का बोध होता है, किंतु आचार्य कहते हैं ज्ञान के द्वारा पदार्थ का बोध होता तो है, किंतु आप होश में हो तो ज्ञान के द्वारा पदार्थ का बोध हो सकता है। और यदि क्रोध में आए हैं आप तो आपका ज्ञान काम नहीं कर रहा होता। ज्ञान कब काम करता है? जब होश हवास हो तब की बात है। पिताजी के पास लड़का पहुंचता है, लेकिन वो भी बहुत होशियार होता है। वो देखता है पिताजी कैसे बैठे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं। यदि पिताजी आवेश में हैं तो पास जाना नहीं चाहता। क्यों बेटा, क्यों नहीं गए? नहीं, पिताजी आपे में नहीं है। पिताजी आपे में नहीं, यदि इस समय उनके पास जाऊं तो क्या बिस्किट मिलेंगे? कौन से खाने के? नहीं, पिटाई होगी, क्योंकि आवेश में है, आपे में नहीं है। तो आपे में जब नहीं रहता है व्यक्ति, उस समय उसके पास ज्ञान हो करके भी वह ज्ञान काम नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध से प्रभावित जिसका ज्ञान है, जिसका ज्ञान लोभ से प्रभावित है, जिसका ज्ञान माया कषाय से प्रभावित है, जिसका ज्ञान मान कषाय से प्रभावित है, वह कभी भी पदार्थ का बोध करा नहीं सकता। इसलिए ज्ञान को बहुत शांत रखना चाहिए, और ज्ञान के कारण ही संसारी प्राणी दुख का अनुभव करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वह रागान्वित ज्ञान होने के कारण, कषाय से अथवा मोह से प्रभावित होने के कारण वह ज्ञान पदार्थ के स्वरूप को वह कभी भी बता नहीं पाएगा। पदार्थ के स्वरूप की जानकारी जो होगी वह ज्ञान के माध्यम से ही होती है, किंतु वह ज्ञान मोह से यदि प्रभावित है तो पदार्थ का ज्ञान उस ज्ञान के माध्यम से नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक जीव के पास ज्ञान तो है, चैतन्य पिंड है या आत्म तत्व है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विद्यमान है, किंतु उसको विधिवत पृथक करने की बात हमने आपके सामने रखी है। इसलिए जिस प्रकार पाषाण खंड में हेम अर्थात स्वर्ण विद्यमान रहता है, दूध में जिस प्रकार घृत का अस्तित्व देखने में आता है शक्ति के रूप में, जिस प्रकार तिल में तेल देखने में आता है, उसी प्रकार प्रत्येक संसारी प्राणी के शरीर में वह शुद्ध परमात्म तत्व विद्यमान है शक्ति के रूप में। उसको अभिव्यक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए और कोई भी प्रयोजन नहीं है। मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो करके शरीर से अतीत जो है शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, पृथक करने के लिए साधना है। इसलिए श्रमण साधु लोग निरंतर रत्नत्रय की उपासना करते हुए शरीर से ऊपर उठने का प्रयास करते